हेलो भाई, स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो है एयरपोर्ट का होने वाला है, तो मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। दोस्तों, ये रहा बाहर से एयरपोर्ट, तो इसके अंदर हम एंट्री लेंगे। अभी नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमारी जो चेक इन का टाइम है वो काफ़ी है, 2 घंटे करीब है जो चेक इन के टाइम में बचे हुए हैं। हम अभी पहले आ गए हैं, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी 2 घंटे पहले आ गए हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट पे आपको जो है 2 गेट मिलेंगे, एक अराइवल का है और एक डिपार्चर का है, और मतलब आगमन और प्रस्थान का है। जो आप ये गेट देख रहे हैं ये आगमन का है, जो आने वाली फ्लाइट है वो यहाँ से आएगी, और जो जाने वाली है वो जो आपको दिख रहा है थोड़े से दूर चलना पड़ेगा वहाँ पे, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो हम यहाँ से जाएंगे, प्रस्थान करेंगे तो हम प्रस्थान वाले गेट पे जाएंगे। ये था आने वालों का आगमन का, तो हम चलते हैं उसी पे जहाँ से हमें एंट्री ले ली है। तो एंट्री हमने ले ली है अभी फिलहाल। सबसे पहले एंट्री लेने के बाद में चेक इन का जो काम होता है वो करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम चेक इन लेंगे। तो चेक इन, तो अगर आप चेक इन के लिए यहाँ से पूछ सकते हो, यहाँ भी पूछ सकते हो आप चेक इन के लिए। मैम इंडिगो की जो फ्लाइट है उसके लिए चेक इन के लिए। इंडिगो? हाँ, आपके पास लगेज है? ये भी है, कैमरा भी है, ये भी है, लगेज भी है। लगेज को वो सेकंड स्कैनर मशीन जो है, वो जो सेकंड जो वाला, वहाँ पर स्कैन करवा लीजिए। हाँ, सेकंड वाला जो, इसके पास ये तो नहीं होगा, ये पीछे जो बैग है ये तो नहीं होगा, इसको स्कैन करने की जरूरत। अच्छा, ये होगा, सिर्फ लगेज को स्कैन करवाइए फिर काउंटर पे चलिए। ओके, थैंक यू। तो हमने पूछा है उनसे, उन्होंने बताया कि सेकंड वाले एक्सरे कराएंगे इस बैग का, यहाँ पे एक्सरे होगा। बोर्डिंग पास मिलेगा सर? कुछ नगेंद्र, नगेंद्र शर्मा है सर, दिल्ली। तो हमारा जो बैग है वो जमा हो गया है, उन्होंने जो बोर्डिंग पास है बोर्डिंग पास हमें दे दिया है। और जो हमें पूछा है कि कौन सी सीट लोगे सर आप, तो उन्होंने हमें विंडो सीट दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि विंडो सीट का एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। इस बैग में से आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा, आपको जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है। गेट नंबर 4 है, वो है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम ऊपर जा रहे हैं। जाम लग जाएगा। सामान लेने जा रहा हूँ बेल्ट नंबर 4 पे। बेल्ट नंबर 4 पे हमारा जो लगेज का सामान है वो मिलेगा।
बेल्ट नंबर टू बेल्ट नंबर थ्री और ये रहा बेल्ट नंबर फोर। यहाँ हमारा लगेज का सामान आएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आ जाएगा। यहाँ पे बेल्ट नंबर फोर हमारा लगेज का सामान। अगर हमारा सामान अभी नहीं आया, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, तो ठीक है हम सामान को लेके चलते हैं। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ओके बाय बाय।